नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन जुगाड़ टेक में। फ्रेंड्स, जियो ने हैप्पी न्यू ईयर ऑफर के तहत कल चार नए प्लान इंट्रोड्यूस किए थे, जिनमें आपको 1.5 GB डेटा डेली दिया जा रहा है। साथ में जो जियो के पुराने प्लान चल रहे थे जिनमें आपको 1 GB डेटा डेली दिया जा रहा था, अब उनका प्राइस 50 रुपीज कम कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक जियो के नए प्लान नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक दिया गया, तो वहां से जाके आप जियो के सभी नए प्लान्स को देख सकते हैं। जियो ने यहाँ पर कुछ नए प्लान पेश किए हैं जिनमें अब आपको जो है काफी कम प्राइस में 1.5 GB डेटा डेली दिया जा रहा है। तो इसी को देखते हुए एयरटेल ने भी अपने प्लान जो है रिवाइज कर दिए हैं, और अब एयरटेल के प्लान्स में आपको मिलेगा पहले से डबल डाटा और डबल वैलिडिटी। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि एयरटेल ने कौन कौन से प्लान यहाँ पर रिवाइज कर दिए हैं और किस प्लान में अब आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको नीचे दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए, और जो साइड में घंटी का आइकन आ रहा है उसको भी दबा दीजिए ताकि आप पाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कल जियो ने हैप्पी न्यू ईयर ऑफर 2018 के तहत अपने नए प्लान इंट्रोड्यूस किए, साथ में जो पुराने प्लान चल रहे थे 199, 399, 459 और 499 वाले, अब उनका प्राइस 50 रुपीज़ कम कर दिया गया। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो 1 GB डेटा वाले प्लान है 149 वाले में अब आपको मिलेगी 28 डेज की वैलिडिटी, 349 में मिलेगा आपको 70 डेज का वैलिडिटी, 399 में 84 डेज का वैलिडिटी, जबकि 449 रुपये वाले प्लान में अब आपको 91 डेज का वैलिडिटी मिलेगा। तो ये तो प्लान थे आपके 1 GB डेटा वाले प्लान जिनमें आपको रोजाना 1 GB डेटा मिलता है, लेकिन जियो ने अब नए प्लान इंट्रोड्यूस किए हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा बेनिफिट दे रहे हैं। जो दूसरे ऑपरेटर्स हैं यहाँ पर आपको 1 GB डेटा डेली दे रहे हैं, लेकिन अब जियो उसी प्राइस में आपके लिए लेकर आया है 1.5 GB डेटा रोजाना। तो जो 1.5 GB डेटा वाले प्लान हैं वो हैं आपके 198 रुपये वाले जिसमें आपको 28 दिन का वैलिडिटी मिलेगा, 398 वाले जिसमें आपको 70 डेज का वैलिडिटी मिलेगा, 448 वाले में आपको 84 दिन का वैलिडिटी मिलेगा, और जो 498 वाला पैक है उसमें आपको 91 डेज का वैलिडिटी मिलेगा। तो इन सभी पैक्स में अब आपको मिलती है 1.5 GB डेटा एक्स्ट्रा। तो आप अगर यहाँ पर देखें 399 रुपये वाला प्लान, अब आपको उसमें 84 दिन का वैलिडिटी मिलता है और 1 GB डेटा रोजाना मिलता है। तो दोस्तों, एयरटेल की तरफ से पहले 399 वाला जो प्लान दिया जा रहा था उसमें आपको केवल 35 डेज का वैलिडिटी मिलता था, अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स मिलते थे और रोजाना 1 GB डेटा मिलता था, लेकिन अब जियो के इन प्लान्स को देखते हुए एयरटेल ने अपने 399 वाले प्लान को रिवाइज कर दिया है, और अब आपको इस प्लान में जो वैलिडिटी मिलेगी वो 70 डेज की वैलिडिटी होगी, रोजाना 1 GB आपको डाटा मिलेगा। यानी कि जियो की तरफ से जो यहाँ पर अब 399 वाला प्लान है उसको कर दिया गया 349 रुपये का, तो 349 रुपये वाला बेनिफिट एयरटेल आपको दे रहा है 399 रुपये में, जबकि जियो की तरफ से जो नया प्लान निकल कर आया है 398 रुपये वाला, उसमें अब आपको 70 डेज तक 1.5 GB डेटा रोजाना मिलता है। तो यहाँ पर अगर जियो और एयरटेल का प्लान कंपेयर किया जाए तो जियो यहाँ पर आपको 1.5 GB डेटा दे रहा है जबकि एयरटेल आपको दे रहा है केवल 1 GB। साथ में जो एयरटेल का 448 रुपये वाला प्लान चल रहा था, अब एयरटेल ने उस प्लान की वैलिडिटी यहाँ पर इंक्रीज कर दी है। पहले इस प्लान की वैलिडिटी 70 डेज की थी, अब इस प्लान को कर दिया गया है 82 डेज का। बाकी बेनिफिट सेम ही रहने वाले, रोजाना 1 GB डाटा मिलेगा, अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स मिलेंगे। तो जियो की तरफ से भी 448 रुपये वाला प्लान दिया जा रहा है, उसमें आपको 1.5 GB डेटा रोजाना मिलता है जबकि एयरटेल के प्लान में मिलेगा आपको 1 GB डेटा रोजाना। साथ में एयरटेल की तरफ से जो 509 या 498 रुपये वाला प्लान है जो सर्किल के हिसाब से कुछ डिफर कर रहा है, उसकी वैलिडिटी यहाँ पर 91 डेज कर दी गई। जी हाँ दोस्तों, जियो की तरफ से पहले जो 499 वाला प्लान चल रहा था जिसमें आपको 91 डेज की वैलिडिटी मिलती थी, रोजाना 1 GB डेटा मिलता था, उस प्लान को अब कर दिया गया है 449 रुपये का। तो जो 449 रुपये वाला प्लान होगा जियो का, उसको देखकर एयरटेल ने अपने 498 वाले प्लान की वैलिडिटी यहाँ पर इंक्रीज कर दी है और वो कर दिया अब 91 डेज का। लेकिन जो अब जियो की तरफ से 91 डेज का जो प्लान दिया जा रहा है 499 रुपये में, उसमें अब आपको रोजाना 1.5 GB डेटा रोजाना मिल रहा है। तो दोस्तों, एयरटेल ने प्लान तो यहाँ पर काफी अच्छे रिवाइज किए हैं, लेकिन अब जो जियो दे रहा है वो आपको पहले से 50% ज्यादा डेटा दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, पहले जियो ने वादा किया था कि वो आपको देगा 20% एक्स्ट्रा डेटा, लेकिन अब आपको जियो दे रहा है 50% एक्स्ट्रा डेटा। सो दोस्तों, अभी तो ये 2018 की शुरुआत ही है और यहाँ पर जो है प्राइस काफ़ी कम कर दिए गए हैं डेटा पैक्स के, एयरटेल और जो जियो है दोनों की तरफ से। शायद जो दूसरे ऑपरेटर्स हैं वो भी आपको 2018 में अब आपको काफ़ी अच्छे प्लान्स देने वाले हैं। तो देखते हैं 2018 में जो डेटा यूजर्स हैं उनके लिए किस प्रकार के प्लान्स निकल कर आते हैं। तो दोस्तों, शायद जो प्लान्स हैं वो अभी और भी यहाँ पर सस्ते होने वाले हैं सभी ऑपरेटर्स की तरफ से। तो दोस्तों, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप अभी हमारे चैनल इंडियन जुगाड़ टेक को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।